दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो सफ़र है ये सफ़र स्टार्ट हो रहा है हमारे भारत के मध्यकालीन इतिहास की ओर और आप सब लोग हमारे साथ चलेंगे और देखेंगे हम लोगों ने जो रिसर्च की है आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं उसका आपको कितना फ़ायदा मिलता है और अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप लोग अपने जो भी राय हैं जो आपके विचार हैं वो ज़रूर आप शेयर करिएगा। तो क्वेश्चंस पैटर्न जो हमारा है मैं एक बार फिर से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पैटर्न है हमारा भारत के इतिहास संबंधित और वो भी मध्यकालीन इतिहास का जो कुछ लेखा जोखा है वो हमने तैयार किया है आपके लिए क्वेश्चंस के माध्यम से। MCQs हैं वो आप जानते हैं। कुछ हमने प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो प्रीवियस वीडियो क्लासेस में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो अपने विचार रेगुलरली आप शेयर करिएगा और जिन सभी की ये ज़रूरत बन सकती है अपने मित्र गणों से आप जरूर शेयर करिएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो क्लास और वीडियो क्लास आज की स्टार्ट करने से पहले अपने इस टेक मास्टर एजुकेशन चैनल के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ और रेगुलरली मैं आपसे मिलता रहता हूँ अपने इस टेक मास्टर एजुकेशन चैनल के प्लेटफॉर्म की ओर से। और आप जानते हैं मैं हूँ मनोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास। क्या है वीडियो क्लास? भारत का चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। हम लोग लेके चल रहे हैं आपको भारत के मध्यकालीन इतिहास की ओर और उसके कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए हाजिर कर रहे हैं। और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने हाजिर हो चुका है, हसन निज़ामी और फख के मतलब किसके दरबारी कवि थे। और ये ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इल्तुतमिश और थर्ड ऑप्शन बलबन, फोर्थ ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। और आंसर इसके सामने आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, करेक्ट आंसर इज ए कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन इज ए 1172, ऑप्शन बी 1175, ऑप्शन सी 1178 और ऑप्शन डी 1182। आंसर का आइडिया लगाइएगा और मैं आपको आंसर प्रेजेंट कर देता हूँ। करेक्ट आंसर इज बी 1175। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ कर्मांत जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। ये आपके लिए जानकारी थी इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। और आपके सामने ये आंसर प्रकट किया गया है, करेक्ट आंसर इज बी जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ और उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये वास्तुकला से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आया है। ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही है मिलते जुलते, फर्स्ट ऑप्शन इज ए अकबर, सेकेंड ऑप्शन इज बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब और करेक्ट आंसर इज सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने आया, जी हां, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। और ये ऑप्शन आपके सामने जरा देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन लिया है ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन, जी हां 711, ऑप्शन बी 712, ऑप्शन सी 713, ऑप्शन डी 714। और ऑप्शन आपके सामने करेक्ट जो है वह बी 712। और इसकी कुछ जानकारी आपके सामने जो लिखा है, उस समय सिंध के राजा दागिर थे हमारे उस टाइम के भारत पर जो शासन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सिंह लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। और ये ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। और करेक्ट आंसर इज ए उड़ीसा,
लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है और इसे जजाति केसरी ने बनवाया और यह 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। ये जानकारी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नटराज की काश्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? और ये क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन इज ए चोल, सेकंड ऑप्शन चेर और सी ऑप्शन पांड्या, डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रकूट। और ये करेक्ट आंसर इज ए चोल। और यहाँ आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी है, नटराज की काश्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है, क्या अर्थ है? तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। जी हाँ, तांडव जो नृत्य है उसकी मुद्रा में ये शिव की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है और ऑप्शन भी आ गए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चेर और ऑप्शन डी पांड्या। करेक्ट आंसर इज ए राष्ट्रकूट। और इससे संबंधित एक जो जानकारी है वो भी आपके सामने है, अमोघवश राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थी? और ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए है वो अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। और करेक्ट आंसर इज ए अकबर। जी हाँ, डिटेल भी आपके सामने आ गया, एलिजाबेथ प्रथम 1558 से, जी हाँ 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की महारानी थी, वह अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो, क्वेश्चन ये आपके सामने और इसके जो ऑप्शन है वो भी आएंगे, पहले हम उसको जरा पढ़ देते हैं आपके लिए। जी हाँ, अब्दुल कादिर बदायूनी और लकीर खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? और ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। और करेक्ट आंसर इज ए। जी हाँ, ये सारी डिटेल आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए प्रेजेंट किया गया है, किताब अल हिंद की रचना किसने की? और ऑप्शन आपके लिए ये हाजिर किए गए, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी इब्न बतूता। और ये करेक्ट आंसर इज बी। जी हाँ, अलबरूनी। और इसकी जो डिटेल है वो भी आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, अलबरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था और अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने किताब हिंद की अल हिंद की रचना की। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 ये हाजिर हो गया है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उनकी इजाजत के बिना दावतों त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन ये आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक और सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन बलबन। और आप आइडिया लगाइएगा, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके सामने। करेक्ट आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विरोध को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। ये थी डिटेल इस क्वेश्चन संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने। जी हाँ, अलाई दरवाजा किसके प्रवेश द्वार हैं? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी लाल किला और ऑप्शन डी ताजमहल। जी हाँ, क्वेश्चन के आंसर भी आपके लिए आ गया, आंसर ये आ गया ए कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने आ गया है, बाबर ने भारत
बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, और ये ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी रणाशंगा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ये फोर्थ है इनके लिए। और करेक्ट आंसर इज ए कृष्णदेव राय। अब इसमें जो डिटेल है वो आपके सामने रख देते हैं, अच्छी इंपॉर्टेंट डिटेल है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बनाया है। ये थी इस क्वेश्चन से संबंधित आपके लिए जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? और ये आपके सामने ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। और करेक्ट आंसर इज लखनऊ। जी हाँ, रूमी दरवाजा लखनऊ में है। और खास बात यह है, यह अवधि वास्तुकला में बना है। ये स्पेशल जानकारी आपके लिए, इसको डिटेल को आप बहुत ध्यान से सुने और पढ़ें, क्योंकि इस डिटेल से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? और ये आ गए हैं ऑप्शन आपके लिए, जहाँ मोहम्मद शाह रंगीला, नंबर ऑप्शन ए था, ऑप्शन नंबर बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय, और ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। और करेक्ट आंसर इज बी शाह आलम द्वितीय। और इसके लिए जो डिटेल है आपके लिए, शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और मेहरुन निशा किस नाम से प्रचलित थी? और ये ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन नूरजहां, और सेकंड ऑप्शन मरियम जमनी, और ऑप्शन नंबर सी सलीमा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर इज ए नूरजहां। और इसकी जो खास जानकारी आपके लिए है, उसको आप जरूर पढ़ें समझें। मेहरुख शाह शेरे अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर करते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपके सामने ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन भगत पीपा, सेकेंड ऑप्शन कबीर, थर्ड ऑप्शन सूरदास, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर इज ए भगत पीपा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, सफर हमारा जारी है। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर किसके शिष्य थे? और ये आ गए हैं आपके सामने, ऑप्शन फर्स्ट रामानंद, सेकेंड ऑप्शन वल्लभाचार्य, थर्ड ऑप्शन चैतन्य महाप्रभु, या फिर इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन। और करेक्ट आंसर इज ए रामानंद। और इसकी जो स्पेशल जानकारी है वो आप जरूर स्टडी करिएगा, मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ डिटेल। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य, आप जरा 12 शिष्य कौन कौन है वो जरा देख लेते हैं। अनंतनाद, सरुसनंद, सुखानंद, नरारीदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास, और दो महिला शिष्य थी सुश्री और पदावती। ये सारी डिटेल थी इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने हाजिर किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। अकबरनामा किस भाषा में है? और ये आगे ऑप्शन आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन इज फारसी, सेकेंड ऑप्शन चगताई, और थर्ड ऑप्शन उर्दू, फोर्थ ऑप्शन हिंदी। और करेक्ट आंसर इज फारसी। और ये जो डिटेल है वो अकबरनामे की जो रचना की थी वो थी अब्दुल फजल, और भाषा के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 21। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ऑप्शन इज ए जी हाँ खोखर, ऑप्शन बी भट्टी, ऑप्शन सी पठान, ऑप्शन डी जाट। और करेक्ट आंसर इज ए खोखर। और ये
क्वेश्चन था हमारा 21 और क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके सामने प्रकट हो चुका है, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? फर्स्ट ऑप्शन जी हाँ अल बरूनी, सेकंड ऑप्शन अमीर खुसरो, कोई नहीं जरा आइडिया लगाइएगा। यहाँ करेक्ट आंसर इज ए अल बरूनी, क्योंकि इसकी जानकारी हमने क्वेश्चन पीछे कुछ क्वेश्चंस पहले भी दी थी और डिटेल आपके सामने है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के दरबार में शोभित विद्वान था और वह भारत के आक्रमण के समय भारत आया था, जिस वक्त आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आया था आपके लिए 23, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? जी हाँ, कौन सा वो वाद्य यंत्र था जिसे औरंगजेब बहुत ही निपुणता से बजाते थे? अब जरा क्वेश्चन आपके सामने था, ये आंसर के जो ऑप्शन से वो आ गए हैं, ऑप्शन नंबर ए वीणा, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी ढोलक, ऑप्शन डी तबला, और करेक्ट आंसर इज ए वीणा। और खास बात क्या थी जरा देखिएगा, औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। जी हाँ, ये थी जानकारी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ये प्रेजेंट हो गया, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर ए हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए जो आया है सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा, और करेक्ट आंसर इज बी चांदी। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे, इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपके लिए, ये हम लोग पढ़ देते हैं। मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? और ऑप्शन आपके सामने काकतीत, ऑप्शन बी होयसल, ऑप्शन सी चालुक्य, या फिर ऑप्शन डी विजयनगर, और करेक्ट आंसर इज बी होयसल। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको आप ध्यान से स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ गया है। जी हाँ, मूल के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने ये आ गया, मराठा साम्राज्य, नंबर बी मैसूर साम्राज्य, नंबर सी मुगल साम्राज्य, नंबर डी सल्तनत। और क्या है आंसर इसका, ये जान लेते हैं हम लोग बहुत जल्दी। ये करेक्ट आंसर इज ए मराठा साम्राज्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 हाजिर हो, ये हाजिर हो गया है। जरा इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है ये बताना है। और ये आ गए हैं ऑप्शन आपके सामने, ये कार्यकाल के हिसाब से जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इनका आपको क्रम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, जो क्रम दिया गया है वो ये है, तुगलक, तुगलक के बाद खिलजी, फिर गुलाम और लोदी, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। ऑप्शन नंबर सी तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम, और या फिर ऑप्शन नंबर डी गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी, ये कुछ क्रम दिए गए हैं। और इनमें से जो सही क्रम है उसको आप जरा एनालाइज किया करिएगा और मैं जरा इसका जो आंसर है वो आपके सामने रख देता हूँ। करेक्ट आंसर इज डी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। और इसकी डिटेल भी मैं आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि जब तक डिटेल आपके सामने नहीं होगी तो आपको अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। जरा क्या है डिटेल, वो आपके सामने है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा, जिसमें गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा, खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा, मुगल तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक राज्य किया, इसके बाद सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 तथा इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। जी हाँ, ये सभी
समय काल कार्यकाल ये आपके सामने रखे गए, इसको बहुत ध्यान से आप ध्यान रखना, याद रखना। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, ये जानकारी आपको जरूर होगी। नेक्स्ट जो इसके ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन तराइन का युद्ध, सी ऑप्शन जो दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध, और या फिर इनमें से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर इज हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर की सेनापति मानसिंह के बीच हुआ। नेक्स्ट, जी हाँ, ये आ गया 29, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए राजपूत और मराठा, ऑप्शन बी राजपूत और अफगान, ऑप्शन सी अफगान और मुगल, और ऑप्शन डी मराठा और अफगान। और ये है आपके लिए करेक्ट आंसर इज डी, मराठा और अफगान। और जो इसकी डिटेल है वो आप जरा देखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाव की मराठा सेना और अहमद साहब दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई और उसमें 60-70 हज़ार सैनिक मारे गए, उनके एक कई योद्धा भाई भी मारे गए। इसमें अफगानों का रुहेला अवध और राजाओं के साथ साथ दिया, जबकि मराठा राजपूत और जाट के साथ प्राप्त नहीं हो सका था। तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथर्ड की तरह है? फर्स्ट ऑप्शन मोती मस्जिद, सेकंड ऑप्शन ताजमहल, थर्ड ऑप्शन लाल किला, फोर्थ ऑप्शन मातुदौला का मकबरा। और फिर की ओर चलते हैं हम लोग, करेक्ट आंसर इज ए मोती मस्जिद। नेक्स्ट 31, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी बरार, ऑप्शन सी अहमदनगर और ऑप्शन डी हम्पी। और ये करेक्ट आंसर इज ए गुलबर्गा। और नोट भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ उसका, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? आपको याद होगा हमने इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया था आपको, और ये ऑप्शन आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकंड ऑप्शन जहांगीर, थर्ड ऑप्शन शाहजहां और फोर्थ ऑप्शन औरंगजेब। करेक्ट आंसर इज डी औरंगजेब। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जी हाँ, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? और ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन विजयनगर, सेकंड ऑप्शन बहमनी, थर्ड ऑप्शन चालुक्य और फोर्थ ऑप्शन चोल। और करेक्ट आंसर इज ए विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 34, सड़क आजम किन शहरों को जोड़ती है? फर्स्ट ऑप्शन आगरा और दिल्ली, सेकंड ऑप्शन आगरा और काबुल, थर्ड ऑप्शन आगरा और सासाराम और फोर्थ ऑप्शन सासाराम और देवगिरी। करेक्ट आंसर इज सी आगरा और सासाराम। सड़क आजम का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनवाया। ये थी जानकारी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
35 हाजिर हो गया। निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की, और ये ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा शांगा, और ये करेक्ट आंसर इज राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी हाँ 36, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया, और ऑप्शन ए इज सहारनपुर के युद्ध, ऑप्शन बी चित्तौड़ के युद्ध, ऑप्शन सी मंदसौर के युद्ध, या फिर ऑप्शन डी गोकुंडा का युद्ध, और ये करेक्ट आंसर इज ए सहारनपुर के युद्ध। और इसकी जो जानकारी है वो आपके सामने रख देते हैं, विजय स्तंभ चित्तौड़ में है जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच में बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, जोधपुर के निकट ओशिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजा ने विकसित किया था, और ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन परमार, सेकंड ऑप्शन प्रतिहार, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रकूट, फोर्थ ऑप्शन चौहान। करेक्ट आंसर इज बी प्रतिहार, और ये कुछ डिटेल भी आपके लिए है, ओशिया का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित किया गया, यहाँ नागभट माहिरभोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 38 ये हाजिर हो गया है, राजा जो कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान में किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे, और जो ऑप्शन है वो आपके लिए आ गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन केरल, थर्ड ऑप्शन कर्नाटक और फोर्थ ऑप्शन महाराष्ट्र। अब करेक्ट आंसर इज डी महाराष्ट्र, और इसकी जो डिटेल है, जो नोट है वो ये है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे, उनके जो राज्य था वर्तमान में तमिलनाडु केरल उड़ीसा कर्नाटक आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था, कुछ इसी तरह की जानकारी हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 और ये आ गया 39 क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशा वर की उपाधि किसने धारण की, और ये आ गया ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी हरिहर द्वितीय, और करेक्ट आंसर इज ए हरिहर प्रथम। ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए हरिहर प्रथम, और इसकी जो डिटेल है वो भी आपके सामने रखी गई है। हरिहर प्रथम तुंग भद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था, उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशा पर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ पूर्व पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी होता है। ये ही जानकारी आपके लिए इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके लिए 40। जी हाँ, फारसी इस्लामिक विद्वान कमलाद्दीन और अब्दुर्रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की, और ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन कालीकट, सेकंड ऑप्शन दिल्ली, थर्ड ऑप्शन आगरा, फोर्थ ऑप्शन जौनपुर, और करेक्ट आंसर इज ए कर्नाटक। जी हाँ, कमलाद्दीन अब्दुर्रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी नामक इस्लामी विद्वान ने कालीकट की यात्रा की। कालीकट भारत के, जी हाँ ध्यान दें, कालीकट भारत के मालवा तट पर स्थित शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ गया है 41। जी हाँ, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी, और ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन हुमायूं, सेकंड ऑप्शन अकबर, थर्ड ऑप्शन जहांगीर, फोर्थ ऑप्शन शाहजहां,
और आप लोग ये लगाइएगा, ये मैं करेक्ट आंसर आपके सामने रखता हूँ। करेक्ट आंसर इज मियां बी अकबर। और रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। ये थी जानकारी आपके लिए इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये हाजिर हो गया, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? और ऑप्शन आगे हैं आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए अल्तुनिया, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, जी हाँ अल्तुनिया। और ये जानकारी आपके लिए कुछ और भी है, रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विरोध कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना ले गया। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर होता है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 43, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। और ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर ए पांड्या, क्वेश्चन नंबर बी होयसल, क्वेश्चन नंबर सी काकती, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी होयसल। मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की और वहाँ के धन संपदा आदि के विस्तार के बारे में उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 44, जी हाँ, और ये आ गया, खिजर खान ने किस वंश की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर ए खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर बी जी हाँ तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश, ऑप्शन नंबर डी जी हाँ गुलाम वंश, और करेक्ट आंसर सी सैयद वंश। जी हाँ सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिजर खान की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ये आ गया ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह, या फिर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर, और करेक्ट आंसर इज ए सॉरी सी शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया और इसका नाम सड़क ए आजम भी रखा गया था। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, जी हाँ तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ? और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 1565, सेकेंड ऑप्शन 1567, ऑप्शन नंबर सी 1676, या फिर 1577, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज ए 1565। जी हाँ तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सुल्तानों जी हाँ के संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर की सेना सदाशिव की हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके लिए, वह 47, जी हाँ औरंगजेब के समय राजपूत विरोध कब हुआ? और कुछ जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए आ गए, ऑप्शन नंबर ए 1659, ऑप्शन नंबर बी 1669, ऑप्शन नंबर सी 1679, और ऑप्शन नंबर डी 1698, और ये आ गया करेक्ट आंसर इससे 1679। जी हाँ, और जो डिटेल है इसकी वो आपके सामने है। राजपूत जो विद्रोह हुआ 1679 में, राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 हाजिर किया जाता है आपके लिए, और ये आ गया शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई? और ये ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं 1658 फर्स्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी 1660, ऑप्शन नंबर सी 1662, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1666। और करेक्ट आंसर इज बी 1666। जी हाँ शाहजहाँ को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1668 में कैद में डाल दिया। वहाँ 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, ये जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट इट मीन्स 49, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? और ये कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, 1728, नेक्स्ट 1720, नेक्स्ट 1721 और नेक्स्ट 1724, ये ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर इज ए 1728। जी हाँ, पालखेड़ का जो युद्ध है बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच हुआ और 1728 में हुआ, जिसमें निज़ाम की पूरी तरह पराजय हुई। जी हाँ, ये जानकारी आपको होगी, बहुत काफ़ी जो है
प्रसिद्ध है इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? और ये आ गए हैं आपके सामने ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मुगल, ऑप्शन नंबर बी मराठा, ऑप्शन नंबर सी विजयनगर, या फिर ऑप्शन नंबर डी होयसल। और ये करेक्ट आंसर इज बी मराठा। जी हाँ, शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था और इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में हुआ। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हम लोग आज का जो क्वेश्चंस जो नामा आपके लिए चल रहा था, ये जो आपके लिए सामान्य ज्ञान का जो अध्ययन हम करा रहे थे, ये मध्यकालीन भारत के जो इतिहास से संबंधित था। और आज सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? और चलिए देखते हैं फिर कुछ समय बाद फिर से कुछ और ऑप्शन रहेंगे आपके लिए।